हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के आरआरबी जेई के प्रीवियस क्वेश्चन। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ये दूसरा वीडियो है और हमारे आरआरबी जेई प्रीवियस क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है उसका ये सातवां वीडियो है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के आरआरबी जेई के प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन जो है वो हमेशा की तरह हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप बीटेक या फिर डिप्लोमा किसी के भी स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी इन द इलास्टिक रीजन इज कॉल्ड रेजिलियंस, टफनेस, डक्टिलिटी या फिर हार्डनेस। तो फ्रेंड्स, यदि हम बात करें, देखिए मैं ग्राफ से आपको समझाता हूँ। वैसे मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आता होगा। यदि हम स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम की बात करें तो जनरली यदि हम बात करें तो हमारा डक्टाइल मटेरियल होता है वो ऐसे फेल होता है, ठीक है, और जो हमारा ब्रिटल मटेरियल होता है वो इलास्टिक लिमिट के बाद में यहाँ फेल हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डक्टाइल मटेरियल की। तो इलास्टिक लिमिट तक जितनी एनर्जी वो स्टोर करता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिलियंस। जैसे मान लो यहाँ पे हमारी इस मटेरियल की इलास्टिक लिमिट है, तो यहाँ तक यानी कि ये जो एरिया है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि इसने कितनी एनर्जी स्टोर की है, तो उसी एनर्जी को हम बोलते हैं रेजिलियंस। तो हमारा जो आंसर है वो ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या पूछा गया है, इलास्टिक रीजन तक, और यहाँ पर मटेरियल ये फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ये जो हमारा फ्रैक्चर लिमिट तक इसने जितनी लोड की वजह से या इम्पैक्ट लोड जो भी है ग्रेजुअल लोड उनकी वजह से जितनी एनर्जी स्टोर की है उसको हम बोलते हैं टफनेस। तो आपको रेजिलियंस और टफनेस में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी हो गई रेजिलियंस। तो रेजिलियंस क्या होती है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी इन या फिर अप टू इलास्टिक लिमिट, और टफनेस एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू फ्रैक्चर लिमिट। ये क्या है, कौन सी लिमिट है, फ्रैक्चर लिमिट, फ्रैक्चर लिमिट। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। कंसेप्ट के साथ में हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी क्या होती है, यानी कि जो मटेरियल प्लास्टिक डिफॉर्म जिसमें होता है, जैसे कोई मटेरियल है, जैसे मैं सिंपल भाषा में बात करूँ तो कोई मटेरियल है उसको इतना डिफॉर्म करें कि वो इतना पतला हो जाए कि वो वायर बन जाए, तो इसीलिए हम ज़्यादातर हम देखते हैं कि डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है कि यानी कि किसी भी मटेरियल के हम वायर बना सकें। और एक प्रॉपर्टी होती है मलाइबिलिटी, यानी कि जो हमारा मटेरियल होता है उसको इतना पतला कर दे कि वो सीट बन जाए, तो वो होती है मलाइबिलिटी। यहाँ पर देखिए, एक है आपकी हार्डनेस, एक वर्ड आपने सुना होगा स्ट्रेंथ। यदि मैं आपको पूछूँ कि हार्डनेस और स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस है, बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा कि यार ये सेम ही है, लेकिन ये सेम नहीं है। कोई मटेरियल है, जैसे ये हमारा मटेरियल है, अब ये जो मटेरियल है इसकी पूरी जो स्ट्रेंथ होती है इसके, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने फोर्स एप लगाया और इधर भी मैंने इक्वल फोर्स लगाया, तभी इसमें क्या आ जाएगा, टेंसाइल जो है स्ट्रेस आ जाएगा। तो ये इस फोर्स को क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है। तो ये जो रजिस्ट किस प्रॉपर्टी की वजह से कर रहा है वो डिपेंड करेगा इसकी स्ट्रेंथ पे। तो स्ट्रेंथ जो होती हैं वो वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टी होती हैं। क्या होती हैं, वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टी, यानी कि मटेरियल के पूरे वॉल्यूम पर डिपेंड करती हैं। अब हम बात करते हैं हार्डनेस की। हार्डनेस होती है, कोई मटेरियल जो है वो भले ही सॉफ्ट है लेकिन यदि हम उसके ऊपर कोई मान लो हीट ट्रीटमेंट कर देते हैं तो ये जो मटेरियल होता है इसके जो सरफेस होती है वो हार्ड हो जाती है। अंदर से तो सॉफ्ट रहता है लेकिन उसकी यदि सरफेस जो है वो हार्ड हो जाएगी तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं हार्डनेस। तो यदि आपको कोई एग्ज़ाम में या इंटरव्यू में भी पूछ ले कि स्ट्रेंथ और हार्डनेस में डिफरेंस क्या है, एक लाइन में यदि हम बात करेंगे तो स्ट्रेंथ जो है वो वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टी है और हार्डनेस जो है वो सरफेस प्रॉपर्टी है। तभी हम मटेरियल साइंस में पढ़ते हैं कि जो है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में मटेरियल की हम हार्डनेस इम्प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे आप काफ़ी कंसेप्ट जो है समझे होंगे।
बताने को तो मैं सिर्फ आंसर बता देता, बोल देता कि आंसर जो है रेजिलियंस है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, और अभी तक हम 5 से 6 क्वेश्चन कर लेते। लेकिन मेरा जो है मोटो ये नहीं है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊँ, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तो आप अपने आप कर लेंगे यदि आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। यहाँ से आप 10 क्वेश्चन बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। द स्टिफनेस इज द एबिलिटी ऑफ ए मटीरियल टू रजिस्ट। स्टिफनेस किसे कहते हैं? जैसे मान लो कोई हमारा जो स्प्रिंग है ये लटकी है, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक लोड लगा दिया, ठीक है। इस लोड की वजह से क्या होगा, जो हमारी स्प्रिंग है इसमें एक्सटेंशन हो जाएगा, यानी कि यहाँ तक ये लोड जो है मान लो थोड़ा सा नीचे आ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन। इसको मान लो हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया, तो ये जो लोड की वजह से फोर्स एफ लगेगा, तो एफ बराबर क्या होता है, के एक्स होता है। ये जो के है ये क्या है, स्टिफनेस। क्या है ये, स्टिफनेस। तो स्टिफनेस क्या होती है, द स्टिफनेस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। द मटेरियल विच एग्जिबिट द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड इन इलास्टिक, होमोजीनियस, आइसोट्रॉपिक या फिर आइसेंट्रॉपिक। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यदि जो है प्रॉपर्टीज सभी डायरेक्शन में सेम हैं तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। यदि हमारा मटेरियल की प्रॉपर्टीज सभी जगह सेम हैं तो ऐसे मटेरियल को हम बोलेंगे होमोजीनियस। देखिए ये हमारा मटेरियल है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ एक पॉइंट पे देखा, मैंने इस डायरेक्शन जाऊँगा, इस डायरेक्शन जाऊँगा, यानी कि सभी डायरेक्शन में मैं देखूँगा यदि प्रॉपर्टी सेम मिल रही है डिफरेंट डायरेक्शन में, तो ऐसे हम मटेरियल को बोलेंगे आइसोट्रॉपिक। सॉरी, आइसेंट्रोपिक तो प्रोसेस होता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपके आइसोट्रॉपिक मटेरियल। अब मैंने क्या किया, दूसरी जगह देखा, दूसरी जगह मैं यदि जाऊँगा तो यहाँ पे सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम मिलेगी, क्योंकि यदि हमारा मटेरियल आइसोट्रॉपिक है तो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती प्रॉपर्टी। लेकिन यदि हम इन दोनों में मैं तुलना करूँगा तो यहाँ पे प्रॉपर्टी अलग अलग आएगी, और यदि ये दोनों जगह प्रॉपर्टी सेम आ रही है तो उस मटेरियल को हम बोलते हैं होमोजीनियस, यानी कि सभी जगह की प्रॉपर्टी जो है वो सेम है। और यदि सभी डायरेक्शन में भी सेम है और सभी पॉइंट पे भी सेम है तो ऐसा मटेरियल क्या हो जाएगा, होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक। द यूनिट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज सेम एज दोज ऑफ स्ट्रेस, प्रेशर, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए ऑप्शन आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। यदि हम बात करें शियर स्ट्रेस जो होता है वो शियर स्ट्रेन के प्रपोर्शनल होता है, और यहाँ पे यदि हम प्रपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आता है टो बराबर जी गामा। ये जी जो है ये क्या है आपका, यही है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। अब स्ट्रेन जो होता है इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो जो शियर स्ट्रेस है उसकी यूनिट ही किसकी यूनिट हो जाएगी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की। और स्ट्रेस कोई भी हो, चाहे शियर हो चाहे नॉर्मल हो, उसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यदि हम बात करें नॉर्मल स्ट्रेस की, नॉर्मल स्ट्रेस को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हुक्स लॉ हम को क्या बोलता है, शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। और यहाँ पे यदि प्रोपोर्शनल साइन हटा देंगे तो यहाँ पे भी एक कॉन्स्टेंट आएगा जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा ई क्या है, ये है, इसे हम बोलते हैं यंग मॉड्यूलस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए स्ट्रेस की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो चाहे हम सिंपल स्ट्रेस की बात करें, चाहे शियर स्ट्रेस की बात करें, चाहे नॉर्मल स्ट्रेस की बात करें, सभी की यूनिट सेम होती हैं। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इन सभी की यूनिट जो है वो सेम होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस है। देखिए कोई भी मटेरियल है, ये वहाँ मटेरियल है, यदि मैं बाहर से फोर्स लगाऊंगा तो वो आपका जो बाहर से स्ट्रेस जनरेट होगा उसे हम बोलेंगे प्रेशर, और यदि अंदर मटेरियल के अंदर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रेस। कहने का मतलब है
प्रेशर जो होता है वो एक्सटर्नल फिनोमिना होता है और स्ट्रेस जो होता है इंटरनल फिनोमिना होता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे डिफरेंस दोनों में क्या होता है। द रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन अंडर एन एक्सियल लोड इज नोन एज टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर पॉइजन रेशियो। तो ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इसका आंसर आता होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पॉइजन रेशियो क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन कहो फिर या फिर ट्रांसवर स्ट्रेन कहो, एक ही बात है। इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज जीरो द मटेरियल इज सेड टू बी। अभी हमने देखा था कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसे हम यंग मॉडुलस कहते हैं वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब ये क्या बोल रहा है कि ये जीरो हो जाए। अब ये जीरो कब हो सकती है? या तो जो हमारा स्ट्रेन है वो इनफाइनाइट हो जाए, ये तो पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब क्या है? हमारा स्ट्रेस यदि जीरो हो जाए फिर भी स्ट्रेन जनरेट हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, यंग मॉडुलस जो है वो जीरो हो जाएगा। तो आपने स्टील के अंदर देखा होगा, यदि मैं इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाऊं तो ऐसा आता है माइल्ड स्टील का। तो आपने देखा होगा कि ये जो हमारा रीजन होता है, ये रीजन यहाँ से हम इतने रीजन की बात करते हैं, इस रीजन को हम बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये इधर स्ट्रेस होता है और इधर स्ट्रेन हो रहा है, यानी कि हम यहाँ पे बात करें तो स्ट्रेस जो है वो कॉन्स्टेंट है, यानी स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा लेकिन स्ट्रेन जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रेस नहीं आ रहा है जितना था पहले, यानी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे सेम ही है, तो स्ट्रेस में चेंज नहीं आ रहा है फिर भी स्ट्रेन बढ़ रहा है, तो इस रीजन को हम प्लास्टिक रीजन कहते हैं। तो मटेरियल कैसा होगा? प्लास्टिक। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। द एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन प्लॉट प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिप्रेजेंट हार्डनेस ऑफ मटेरियल, एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ कॉज फेलियर, रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मटेरियल। अभी हमने डिस्कस किया था रेजिलियंस और टफनेस। रेजिलियंस जो है वो भी क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड, यानी कि इलास्टिक लिमिट तक। और यदि कोई मटेरियल प्लास्टिक लिमिट तक फेल हो रहा है यानी कि फ्रैक्चर लिमिट तक, तो जितनी एनर्जी स्टोर करेगा वो क्या हो जाएगा? टफनेस। तो यानी कि ये जो एरिया होता है वही क्या रिप्रेजेंट करता है कि इसने कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब की है फेलियर होने से पहले। तो यानी कि द एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रिप्रेजेंट एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ कॉज फेलियर, यानी कि जब मटेरियल फेल होगा उससे पहले वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर एरिया ऑफ डायमीटर डी अबाउट द डायमीटर एक्सिस इज। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मैं बात करूं यदि, तो आप सभी को पता है यदि हमारा ऑब्जेक्ट सर्कुलर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? पाई बाई 64 d^4। ये किसके लिए होता है? सॉलिड के लिए। और यदि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो होलो है तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 64 d^4 माइनस d इनर की पावर 4। और ये तो हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यदि मैं आपको पूछूं कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, यदि मैं सर्कुलर ऑब्जेक्ट की बात करूं तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा पाई बाई 32 d^4, और होलो में भी यहाँ पे 32 आ जाएगा। तो पोलर यदि आपको पूछे तो पाई बाई 32, और नॉर्मल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे तो पाई बाई 64 d^4। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कंसिडर ए लॉन्ग ट्यूब ऑफ 25 mm आउटसाइड डायमीटर एंड 20 mm इनसाइड डायमीटर। ट्विस्टेड अबाउट इट्स लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस विथ ए टॉर्क टी ऑफ 45 N/m। द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होलो ट्यूब इज। तो ट्यूब कैसी है? एक तो होलो है, आपको निकालना क्या है? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी मैंने आपको बताया था कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि हम बात करें तो कितना होगा? पाई बाई 32 d^4। और यदि हमारा होलो ऑब्जेक्ट है तो डी आउटर की पावर 4 माइनस डी इनर की पावर 4। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई बाई 32, डी आउटर कितना है? 25 की पावर 4 माइनस 20
20 की पावर 4। अब आप सोच रहे होंगे कि 25 की पावर 4, 20 की पावर 4, हम इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, लेकिन मैं इजी कर देता हूँ कैसे। देखिए पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होती है। यहाँ पे नीचे कितना दे रखा है, 32, तो मैं क्या ले लेता हूँ, इसकी वैल्यू 3.2 ही ले लेता हूँ कैलकुलेशन के लिए। क्योंकि आप देखिए ऑप्शन देखिए, 22,000, 36,000, 18,000 और 27,000, काफ़ी डिफरेंस है, तो इतने से ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। अब ये देखिए कैंसिल हो जाएंगे। अब आप सभी को पता है इन 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 का स्क्वायर लिख सकता हूँ माइनस 20 के स्क्वायर का स्क्वायर। इतनी कैलकुलेशन तो आप जानते होंगे। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी यानी कि 25 प्लस 20 इंटू ए माइनस बी, तो भी यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ वापस, 25 प्लस 20 इंटू 25 माइनस 20। अब यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, 3.2 अपॉन 32। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, 25 का स्क्वायर 625 और 400 कितना हो जाएगा 1025 इंटू 25 प्लस 20 45 और ये आपका 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको मैंने 3.2 लिया है, तो यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, ये 32 कैंसिल हो जाएगा और नीचे 10 आ जाएगा। अब यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब देखिए ये 1025 है और ये 45 है, दो से तो कटेगा नहीं, तो मैं इसको 24 मान लेता हूँ, 1024 इंटू 45। तो ये 512 हो जाएगा और 45, इतना मल्टीप्लिकेशन तो आप कर सकते हैं। 512 इंटू 45 करेंगे तो ये वैल्यू आपके आ जाएगी 23,040, ठीक है। अब ये 23,040 किसके पास में है, 22,000 के पास में या फिर 27,000 के, तो 22,000 के पास में, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी, ऐसे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में लास्ट में करने होते हैं, यदि आपके पास टाइम बचता है तो आप कीजिए, और थोड़ी सी कैलकुलेशन आप फास्ट रखिए, क्योंकि ये ध्यान रखना है कि करना कैसे है, नहीं तो 25 की पावर 4 करोगे फिर उसमें से 20 की पावर 4 जो है सब्ट्रैक्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। द बेंडिंग ऑफ बाईमेटेलिक स्ट्रिप ड्यूरिंग राइज इन टेम्परेचर इज ड्यू टू डिफरेंस इन देयर। तो यानी कि जो बाईमेटेलिक स्ट्रिप होती है, बाईमेटेलिक यानी कि जहाँ पे दो मेटल मिक्स होते हैं, वो बेंड हो जाती है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ऐसा क्यों होता है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन की वजह से, थिकनेस की वजह से, थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से, या फिर इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दो मेटल हैं, एक ये मेटल हो गई, ये दूसरी हो गई। अब मान लो इसका जो एक्सपांशन, देखिए मेटल जो होता है, जैसे हम किसी भी बात करें, आयरन की बात करें, सिल्वर की बात करें, गोल्ड की, सबका जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन होता है वो डिफरेंट होता है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से ज़्यादा एक्सपांड होते हैं, कुछ कम होते हैं। तो देखिए ये मान लो नीचे वाला, उसका जो एक्सपांशन है इसका कम होता है टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से, और ऊपर वाला इसका ज़्यादा होता है, तो ये ज़्यादा एक्सपांड हो जाएगा, लेकिन एक दूसरे से चिपके हुए हैं तो ये आगे तो बढ़ नहीं सकता, इसलिए क्या करेगा, ये बेंड हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से होता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन की वजह से, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एक्सपांशन होता है वो कितना होता है, यानी कि मैंने आपको बताया था कि यदि हम टेम्परेचर टी इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा लेंथ इंक्रीज कितना हो जाएगा। यदि उसकी लेंथ एल है, अल्फा जो है लीनियर एक्सपांशन है, और टेम्परेचर कितना हमने इंक्रीज़ किया, एल अल्फा डेल्टा टी होता है, और यदि हम इसको एल से डिवाइड करेंगे तो ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा, और इसीलिए हम स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं, ई इंटू स्ट्रेन, यानी कि ई अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, मैंने एक बार आपको वापस बता दिया, सिग्मा बराबर ई अल्फा डेल्टा टी, जहाँ पे अल्फा क्या है, ये जो आपको ये ऑप्शन में दिख रहा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, ई आपका यंग मॉडुलस, और डेल्टा टी, डेल्टा टी यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि पहले कोई मटेरियल है उसका टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री था, हमने 40 कर दिया, तो यानी कि इंक्रीज कितना किया, तो वो हो जाएगा आपका 10 डिग्री।
तो वो हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, इतना सिंपल तरीके से मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समझाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और आप टेस्ट आईको को यदि सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये हमारी UPI ID है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।